लाइफ में बुरा वक्त तो सबके साथ ही आता है. आई थिंक फेलियर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते. जितना भी हम अवॉइड करना चाहें, आप ना तो फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं, ना आप सक्सेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो अपने हाथ में सिर्फ मेहनत होती है. वो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी हार्ड वर्क कर सकते हैं. आप कोई भी डिसिप्लिन हो, आपके घर में कोई इशू हो, या आपके वर्क प्लेस में कोई इशू हो, या स्पोर्ट्स में हो, या पढ़ाई में हो, सिर्फ मेहनत, एक ही तरीका है मेहनत करना. तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो आप किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं. तो वो मेरे लिए एक चीज़ बहुत मैटर करती है. और उसके बाद जो फेलियर है वो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे अब समझ आया कि उन चीज़ों से आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं. सक्सेस से आप सीखते नहीं हैं, क्योंकि सक्सेस के बाद आपको लगता है सब सही है, तो आप इधर उधर देखना बंद कर देते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी, या मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो आई थिंक फेलियर से हर कोई ग्राउंडेड होके दोबारा हर चीज़ को सामने रख के फिर स्टार्ट करता है, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस. यू हैव टू फेल, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू गेट बैक अप. देर इज़ नो अदर वे आउट. यू कांट सक्सीड एंड से अभी आज मैंने परफॉर्मेंस कर दी, मैं इतने साल खेल लिया, अभी कल से मैं नहीं खेलूंगा. ऐसा नहीं होता. या तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको रुकना है, खेलना है, काम करना है, पढ़ाई करना है, जो भी है, यू हैव टू कीप डूइंग दिस. उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. और कमिटमेंट भी दूसरी, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको पूरी कमिटमेंट से करिए, वरना उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है. वो फिर आप सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए एक समय तक करते हैं. उसके अलावा आपकी उस चीज़ की तरफ ऑनेस्टली नहीं है, तो वो परस्यू करने का फ़ायदा नहीं है. नहीं, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ पैशन से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ उसको रोकने में आपको प्रॉब्लम देगी या आपको वो करने से रोकेगी. तो यही था कि मतलब क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है, और ये मैंने बचपन से ही सोचा है. तो मैं एक स्पोर्ट के लिए डेडिकेटेड था. अगर आप किसी चीज़ की तरफ डेडिकेटेड हैं तो उस पर पूरा डेडिकेशन होना चाहिए. कोई भी चीज़ आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए. मगर काश में हूँ मैं, खुद अपनी तलाश में हूँ, अपने आप को खोजने में लगे हुआ है ये खिलाड़ी, ये महान बल्लेबाज. फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या,